तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए। पक्का है कि आपको कुछ ना कुछ वीडियो में ज़रूर अच्छा, कुछ ना क्या, हर एक चीज़ें आपको एक अच्छी लगेगी। ठीक है, वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है हम लोग का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि जहाँ तक कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम और विंस्टन सेतु, ये तीन चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, बट कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फिर उसको दोबारा कभी भूल नहीं सकते हैं, इस ट्रिक को। ठीक है, फिर आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है ना, एक जुड़ा होता है। ठीक है, एक सॉरी एक ही, सब तीनों प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई किसी से जुड़ा नहीं होता। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम का प्रतिरोध होता है। ठीक है, समांतर, ये होगा हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, है ना। देखिए यहाँ पर तीनों जो है वो विद्युत धारा जो है वो तीनों साइड जाएगी, कहीं कोई भी मतलब ये नहीं कि एक भी प्रभावित हुआ, नहीं, तीनों जो है वो अलग अलग हैं, समांतर क्रम में है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा समांतर क्रम। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 और डॉट 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 1/RN के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो पहला प्रतिरोध होता है, पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। वो किस में आते हैं, श्रेणी क्रम में। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रतिरोध है, तो ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं। ऐसे दूसरे प्रतिरोध का लास्ट वाला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, R1, R2 और ये हो गया R3, है ना। तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम। और इसका सूत्र क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, यही होता है, सीधे सीधे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का, ये हमारे किसका सूत्र है, समांतर क्रम का सूत्र है, और ये हमारे किसका है, श्रेणी क्रम का सूत्र है। तो पहले ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद से हम लोग विंस्टन सेतु की बात करते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th का है, बट आपको कंपटीशन में पूछता है तो वो चीज़ भी आपको जानना है। देखिए समांतर क्रम, ठीक है, सबको दोनों सूत्र सबको याद रख रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आते समय लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि 1/R1 1/R2 है या फिर R1 + R2 है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे समांतर। समांतर मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर यानी कि क्या है, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो सूत्र में भी क्या होगा, समांतर है, समांतर क्रम है, तो सूत्र में भी ऊपर नीचे होगा। जैसे कि 1/R1 1/R1 ऊपर नीचे है ना, 1/R2 1/R3 है ना, ऊपर नीचे है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यही क्या है, यही समझ लीजिए एक तरह से ट्रिक है समांतर के लिए, कि समांतर है मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो ट्रिक में सूत्र में भी एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, तो 1/R1 1/R2 1/R3 ये हो गया, ऐसे आप लोग भूल नहीं सकते। दूसरा श्रेणी क्रम है, श्रेणी मतलब क्या होता है, सीधे सीधे, श्रेणी मतलब सीधे, याद रखिए श्रेणी सीधे, श्रेणी सीधे। तो ट्रिक में क्या होगा, सीधे ही सीधे होगा, कोई बात वाली बात नहीं है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 प्लस में R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पता चल गया, आपको इजी ट्रिक याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं। समांतर मतलब, समांतर मतलब ऊपर नीचे, तो ट्रिक सूत्र में भी ऊपर नीचे होगा। अब आते हैं विंस्टन सेतु, जो कि आपका एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। देखिए विंस्टन सेतु, विंस्टन सेतु, ठीक है, या फिर विंस्टन ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हमको अगर तीन प्रतिरोध पता है, मान लीजिए कुछ ऐसे बनता है ये वाला, ठीक है, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो देखिए R1, ये R2, ये R3, ये फिर R4, या फिर इसको लिख सकते हैं PQRS, ठीक है, PQRS। तो हम लोग लिख सकते हैं P/Q बराबर में R/S। तो ये क्या होता है, जब हमको तीन प्रतिरोध पता रहे, एक दो तीन प्रतिरोध पता रहता है और एक प्रतिरोध जो है हमको नहीं पता रहता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विंस्टन सेतु का प्रयोग करते हैं।
और विंस्टन सेतु में यही होता है कि हमको तीन प्रतिरोध दिया रहता है, एक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना रहता है, तो P बटे Q अपान में R बटे S बराबर करके हम लोग इसमें ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और आता है इसमें कि अगर कि बीच में कहीं कोई पांचवा दे दिया हमको, जैसे कि मान लीजिए ये तो ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा बना रहा है बट समझ जाएगा आप लोग, और यहाँ से ऐसे ये चौथा हो गया, और बीच में कोई ऐसे दे दिया R5 करके, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, और ये R5 हो गया, ठीक है। तो विंस्टन ने ये कहा था कि जो भी इन चार को छोड़ करके बीच में अगर कोई हमारा प्रतिरोध आता है तो इसका मान क्या होता है, R5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। R5 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। बाकी इन्हीं तीन इन्हीं चार का मान हम लोग निकालेंगे, बीच वाले का मान हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो विंस्टन सेतु में यही कहा गया था और यही निकालना होता है विंस्टन सेतु में कि तीन प्रतिरोध दिए होते हैं, एक प्रतिरोध नहीं होता है ज्ञात, तो हम लोग को पी बट्टे क्यू बराबर में आर बट्टे एस करके हम लोग चौथा प्रतिरोध जो है वो फाइंड कर लेते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में दे दिया जाता है ये कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया तो कितने लोग इसको समांतर करें, जब जिस जो नहीं पढ़ रहेंगे कितने लोग इसको इसको क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ करके इससे समांतर कर देंगे, तो भाई सब गलत हो जाएगा ना आपका, सीधे सी बात है। तो क्या होता है ये जो है ये R5 का मान क्या होता है, जीरो होता है, ये विंस्टन सेतु यही कहलाता है। R5 का मान क्या होगा, जीरो होगा। बाकी इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा सीधे से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा पूरे अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग की वीडियो कैसी लगी, बाकी ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे, तो कमेंट लाइक वगैरह वगैरह जो भी है सब करते रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।